नॉनसेंस। ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है। नहीं, यही बुला लो। नहीं, मैं जेसीबी के आगे बैठ जाऊँ। नहीं, ये मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि। तुमने क्या तमाशा कर रखा? मेरी एसपी साहब से बात करा जी, मेरे डीसी साहब से बात होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में सारी बात डाल दी। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। जब मंत्री थे तो दाएं बाएं लोग जी हजूरी करते थे, अधिकारी हाजी हाजी करते थे, कद बड़ा था। लेकिन एक चुनाव क्या हार गए, रामविलास शर्मा की तो मानो ताकत ही खत्म हो गई। कम से कम इन तस्वीरों से तो ऐसा ही लगता है। सीएम से बात की, एसपी से बात कर ली, डीएम और डीसी को भी मना लिया, मगर फिर भी भाजपा नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास वर्मा एक जेसीबी को गरीब लोगों के खोके तोड़ने से नहीं रोक सके। ये साबित करता है कि पार्टी में अब उनका कद किस हद तक गिर चुका है। It is my humble request. Please stop this nonsense. ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है और दिनेश कुमार जी एसडीएम के साथ हमने एक हफ्ता पहले सब गोखे वालों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। दिनेश जी, इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है, एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नहीं, अभी रोकिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खून से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। दिनेश जी, इसको तुरंत रोकिए जी, अभी तुरंत। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दीजिए और जो भी बात करेंगे आप और हम बैठ के खोखे वालों को, हाँ, इनको अल्टरनेट देंगे, इसको अभी एक बार तुरंत रोक दीजिए। तो देखा आपने, एक हाथ में फोन था, अधिकारी कॉल पर थे। प्रदेश में खुद की पार्टी की सरकार है, खुद पिछले सरकार में ही शिक्षा मंत्री रहे, मगर सब कुछ धरा का धरा रह गया। उल्टा लोग रामविलास शर्मा को ही तोड़फोड़ के लिए कोसते नजर आए। पूरा मामला महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड का है, जहां करीब रात 8 बजे जेसीबी लेकर प्रशासन अवैध खोखे तोड़ने के लिए पहुंचा था। कोई रुकावट पैदा न करे इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, मगर कोई कुछ न कर सका सिवाय नारेबाजी के। गरीबों पर, बेसहारा पर इस तरह से जुल्म किया गया है जिस तरह से पहले वाली सदियों में हिटलर जुल्म करता था, बिल्कुल हिटलर वाली तानाशाही यहाँ पर दिखाई गई है। न हमें किसी प्रकार का कोई अग्रिम कोई सूचना दी गई, न हमें किसी प्रकार की कोई लिखित में सूचना दी गई कि नोटिस वगैरह। कितनी दुकानों को हटाया यहाँ? लगभग अभी इन्होंने फिलहाल 40 से या 42 इतनी दुकानों पर इन्होंने पीड़ा पंचा चला दिया है, हमें बिल्कुल उजाड़ दिया है जी। दुकानों के अंदर रखा सामान तक नहीं निकलने पाया, मात्र 10-20 मिनट का समय दिया था। इस यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी, इस दुकानों में ऐसे ऐसे बंदे थे जिनके बेचारे 3 भाइयों में से एक भाई की मौत हो चुकी थी, उसके 3 बच्चों का पालन पोषण और खुद के 3 बच्चों का पालन पोषण और उसके छोटे भाई के 2 बच्चों का पालन पोषण, कुल मिला के एक परिवार में 12 बंदे जब एक दुकान के ऊपर आश्रित हैं, तो आज उन बंदों का शायद मर जाना ही उचित रहेगा। अब हम उससे ज़्यादा भयंकर अभी जिस तरह से जो कार्रवाई रोक दी गई है जी, तो इसको लेके क्या कहेंगे, किस तरह की ये राजनीति क्या है भाई साहब? इसमें टोटली राजनीति इन्वॉल्व है। यहाँ पर जितना जागता उदाहरण देखा गया है, शायद अगर वो वीडियो मिल गया तो मैं आपको बिल्कुल वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिस तरह से यहाँ पर ऐसा तानाशाह हमें देखने को मिला, जो आकर यहाँ पर ऐसे बंदों का घड़ा भींचता है और ऐसे धक्के मारता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। अरे कहाँ है हमारे लिए? महेंद्रगढ़ का नाश्ता उसने ही करके रखा है यार। सबसे ज्यादा 2 घंटे पहले भी आ सकता था वो। कौन आ सकता था? यहाँ के जो बब्बर शेर है वो, यहाँ के दिग्गज नेता है वो। क्या नाम? ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। राजनीतिक एजेंडे हैं, प्रशासन में तक राजनीति को घुसा दिया इन्होंने। लेकिन अब एक बात बताओ भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने पीछे कार्रवाई की, हम मानते हैं कि भाई चलो वे खोखे अवैध थे,
अब हटा दिए, ये भाग्य वाले क्यों ना हटा रहे। जानकारी के मुताबिक रेलवे रोड पर पिछले 30 साल से लोग खोक लगाकर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। पहले तो नगर पालिका इनमें तहबाजारी की पर्ची देकर उनका किराया वसूल लेता था, मगर कुछ सालों से इन खोकों को अवैध बताकर किराया लेना बंद कर दिया और अब इन खोकों को रात में आकर प्रशासन ने तोड़ दिया। एएसपी का कहना है कि दुकानदारों को पहले ही नोटिस दे दिया था, जिसके तहत अब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इसको हटाने के लिए पहले भी रेवेन्यू बोर्ड में भी नोटिस वगैरह दिए गए थे, यहाँ पर जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे, एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया है, ड्यूटी रजिस्टर लगाए गए हैं कि आप अपना सामान हटा लें, ये एनक्रोचमेंट इलीगल है। और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाए, कुछ लोगों ने नहीं हटाए, तो नियमानुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया है, तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम। एक तरफ जहां रामविलास शर्मा कार्रवाई रोकने के लिए अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाते नजर आए, तो वहीं खोके को चलाने वाले दुकानदार भी अधिकारियों के रहम करने की अपील करते रहे, मगर फिर भी देखते ही देखते प्रशासन ने 40 खोके तोड़कर जमीन पर पटक दिए, जिससे अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बलरोड़िया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।